फर्स्ट फोर क्वेश्चन अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन एट इन दिस लेक् टेबल टू आंसर अब आपको क्वेश्चन नंबर फाइव के नीचे एक टेबल दिया गया अगर आप उसको गौर से देखें एक साइड पर पूरे के पूरे जो रो है उसके अंदर मेटल दिए हुए हैं जिनको उन्हें नाम नहीं बताया हुआ दोन्नी सेट ए बी सी एंड डी और फिर दूसरी साइड ऑफ द टेबल पर आपको डिफरेंट सोल्यूशन दिए हुए जैसे कि उन्हें आपको सबसे पहले दिया हुआ आयरन सल्फेट, फिर उन्हें बताया हुआ अबाउट कॉपर सल्फेट एंड आफ्टर दैट सिल्वर नाइट्रेट और वो बता रहे हैं कि ये जो चार मेटल्स हैं जिनका नाम आपको नहीं पता ही किस तरह से रिएक्ट करते हैं उन सॉल्यूशंस के साथ इज वेज लेक्चर इज अबाउट दिस क्वेश्चन इज अबाउट एक्चुअली आए चल के देखें कि उससे मुतल उनने आपसे क्या सवाल पूछे हैं? अब टेबल में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जो मेटल्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करें क्या डिस्प्लेस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अब अगर आप देखो मेटल ए जो है वो ऐसा मेटल होगा जो आयरन से ऊपर आता होगा क्यों क्योंकि ऑब्वियसली आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकेगा अगर वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं करता इसका मतलब है वो आयरन से नीचे है तो वो यहाँ पर नो रिएक्शन लिखा हुआ होगा जो कॉपर से मिसप्लेस करेगा इसका मतलब है कि वो आयरन से नीचे है लेकिन कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में इस तरह आप डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बता सकती हो कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है अब उन्होंने पहला पार्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर फाइव में वो है वच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव अब मेटल ए बी सी एंड डी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसका जवाब ये होगा कि जो मेटल आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है आयरन सल्फेट में से वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्यों क्योंकि आयरन कॉपर और सिल्वर में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो आयरन है जिसने आयरन को डिसप्लेस कर दिया वो आयरन से भी ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में जिसकी वजह से वो जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और यहाँ पर वो मेटल है मेटल डी बिकॉज इट डिस्प्लेस आयरन लाइक आई सेट जिस मेटल ने आयरन को डिस्प्लेस किया है वो तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और वो फिर बाकी दोनों को भी डिस्प्लेस कर सकेगा तो वट आर वी यू है वी आर से आयरन जो है मेटल डी जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसने आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस किया व्हिच मींस कि वो आयरन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में सेकेंड पार्ट है हाउ विल मेटल बी रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल बी जो है आपका वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है इट विल नॉट रिएक्ट बिकॉज़ इट इज बिकॉज़ इट इज बिलो कॉपर इन रिएक्टिविटी तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा उसकी वजह क्या है कि अगर आप देखें

डी जो है हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो आयरन को भी डिस्प्लेस कर देता है तो वो कॉपर सल्फेट में किस तरह रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली वो उसको भी डिस्प्लेस कर सकेगा वाई बिकॉज वो इतना स्ट्रांग है वो इतना रिएक्टिव है कि उसने आयरन को रिप्लेस किया है तो वो कॉपर को भी तो कर सकेगा सुवर so, से इट विल रियक्ट एंड डिस्प्लेस कॉपर के वो कॉपर के साथ बहुत रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्नी और फिर वो कॉपर को ही डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन में से तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन के जो तीन पार्ट्स थे विद दैट टेबल की इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज हमने किया है आप टेबल को फिल भी कर सकते हो देख सकते हो कि जो आयरन को डिस्प्लेस कर रहे हैं कॉपर को नहीं कर रहा वो सिल्वर को भी नहीं करेगा एंड सिमिलरली जो कॉपर को डिसप्लेस कर वो सिल्वर को नहीं करेगा एंड सो ऑन सो यू कैन टेल बाय लुकिंग एट द टेबल कि कौन सा मेटल जो है वो कहां पर रिएक्शन शो करेगा अब क्वेश्चन वो कंपाउंड रॉक के अंदर जिसके अंदर मेटल हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड सो वट आर वी से हमें बतानी है ये तीन उन्होंने आपको मेटल्स बताए हुए इनकी ओर्स के नाम बताने कॉमनली जो पाई जाती हैं वो ओर्स एल्यूमिनियम की ओर क्या होगी एक्सले बी बॉक्साइड Boxide, जो है एलुमिनियम की और है इसमें से एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है आए आगे चल के बाकी दोनों जो ऑप्शन है उनको भी देखें अब आपसे अगली बार जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इज के आयरन की ओर क्या होगी आयरन की ओर होगी कॉपर की ओर होती है कॉपर पैराइड कॉपर पायराइट जो है दैट इज इन फॉर आयरन और ये डिफरेंट हैं जिनसे हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर इज नॉट एंड अगला पार्ट है वाई इज प्योर एलुमिनियम मोर एक्सपेंसिव देन आयरन एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अबंडेंट है अर्थ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल है लेकिन उसकी जो कीमत है वो ज्यादा है आयरन से ऐसा क्यों है इसका इसका क्या जवाब जवाब होगा इसका ये होगा कि क्योंकि एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा महंगा है आयरन की नस्बत इसी वजह से एल्युमिनियम जो है वो बिकता भी ज्यादा महंगा है एल्युमिनियम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल टू एक्सट्रैक्ट उसको एक्सट्रैक्ट करना इसलिए इतना महंगा है क्योंकि जितनी पावर उस एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में लगती है उससे पूरे शहर को आप बिजली प्रोवाइड कर सकते हो तो अगर इतनी ज्यादा एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होगी और क्योंकि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा है इसी वजह से उसकी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस वो भी फिर ज्यादा है बनस्बत कम पाए जाते हैं क्युं? क्यों क्योंकि उनको एक्सट्रैक्ट करना कंपेरटिवली चीपर होता है नेक्स्ट पार्ट है वाई इज एलुमिनियम गुड फॉर कैंस एल्यूमिनियम कैन्स में जो खाने की कैंस होती हैं ड्रिंक की कैन्स होती हैं उनमें क्यों इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम कैन इजिली चेंज शेप एंड इज क्रोशन फ्री उसकी वजह यह है कि एल्यूमिनियम जो है डक्टाइल है उसकी शेप को आप बदल सकते हो तब्दील कर सकते हो ऑब्वियसली उसको मोल्टन स्टेट में करके यू कैन ऑलवेज चेंज इट्स शेप एंड देन बिकॉज फ्री वो इतनी आसानी से रस्ट नहीं करता उस परोजन जो है वो इतनी तेजी से नहीं होती इस वजह से सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के जो कैंस हैं वो इस मेटल से बनाए जाते हैं आखिरी पार्ट अगर हम देखें इस क्वेश्चन का दैट इज वाई शुड वी रीसाइकल एलुमिनियम एल्यूमिनियम को रिसाइकिल क्यों करना चाहिए इसका जवाब बहुत ही प्लेन है उसकी वजह यह है पहली वजह तो यह है कि क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करना इतना ज्यादा महंगा है इतना कॉस्टली है तो अच्छा है कि आपके पास जो प्रेजेंट है आप उसी को रिसाइकल कर लो बजाय इसके कि आप बार बार नए सिरे से उसको एक्सट्रैक्ट करें तो पहली वजह होगी टू अवॉइड कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन के बाद प्योरिफिकेशन उसकी अलग से सेपरेशन ऑल ऑफ दैट वो सारी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है हम उनको अवॉइड कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं वी कैन सिंपली यूज एलुमीनियम रिसाइकल फॉर्म में ताकि हमें जो है बार बार वो उसकी प्राइस है वो पे ना करनी पड़े सेकेंड उसका रीज़न है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑब्वियसली रिसाइकलिंग जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेहतर है जब आप माइनिंग करते हो एक्सट्रैक्शन करते हो इस सब में बहुत ज़्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज होती हैं और अगर हमारे इन्वायरमेंट जो है वो सबसे इफ़ेक्ट होती है उसको नुकसान होते हैं तो हमें चाहिए कि हम चीजों को ज्यादा रिसाइकिल किया करें री किया करें बजाय इसकी कि हर दफा उनको एक्सप्लोयर करें नए सिरे से फिर से उनको एक्सट्रैक्ट करें और बार बार वेस्ट कर दें सो दीज आर सम रीजन जिनकी वजह से आपको एलुमिनियम को ज़रूर करना चाहिए नाउ लेट्स लुक रिसाइकिल क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में है ब्लास्ट फर्नेस की उन्होंने आपको इमेज दी हुई है और उससे मुतल वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं पहला सवाल है व्हाट इज अ ब्लास्ट फर्नेस यूज्ड फॉर ब्लास्ट फर्नेस का काम क्या है किस लिए इस्तेमाल की जाती है इट इज यूज फॉर आयरन एक्सट्रैक्शन ब्लास्ट फर्नेस इज फॉर आयरन एक्सट्रैक्शन तो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसकी ओर से अलहदा करने के लिए उससे हटाने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं दूसरा क्वेश्चन है वट इज एडेड थ्रू द टॉप एट ए अगर आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पे एक जगह से एंटर होते हुए उन्हें एरो दिखाया हुआ उधर से क्या अंदर डाला जाता है तो हमें पता है कि वहां पर क्या क्या चीजें एंटर की जाती हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर वहां पर हम उसके अंदर डालते हैं आयरन ऑक्साइड कोक जो कि हम कार्बन को कहते हैं और एलुमिनियम आयरन ऑक्साइड क्योंकि उसमें से हमने आयरन एक्सट्रैक्ट करनी है कोक क्योंकि उसने रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ ताकि आयरन जो है वो अलहदा हो सके और एलुमिनियम क्योंकि इम्प्योरिटी को खत्म करती है तो ये चीजें जो है अंदर डाली है हमने फिर उसके बाद वट कम्स आउट ऑफ बी तो बी में से क्या बाहर आते हैं अगेन साइड पर उन्हें एक एरो दिखाया हुआ है बी का लेबल किया हुआ है वहां से चीजें जो है इट्स आउटवर्ड डायरेक्शन तो क्या बाहर जा रहे हैं वहां से वहां से जो चीज बाहर जा रही है वो है आपकी वेस्ट गैसेस विच इज मेनली कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू जो है वो वहां से बाहर जाती है थर्ड है वट इज पंप्ड इन एट सी तो बॉटम में उन्हें सी लेबल किया है वहां से एक एरो जो है वो इनवर्ट जा रहा है वहां पर क्या एंटर करते हैं वहां पर हॉट एयर गर्म हवा जो है हीट के लिए अंदर डाली जाती है ब्लास्ट फर्नेस के सो हॉट एयर इज एंटर थ्रू सी नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब वैपन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या होता है एक्टिविटी पूरी डिस्क्राइब करें मैंने बहुत ब्रीफली बताया आप बहुत डिटेल में इसका आंसर लिख सकते हो यूजिंग द लेक्चर स्मेल्टिंग के ऊपर एक लेक्चर था आप अपनी बुक से इसके ऊपर जो पूरा पैसेज लिखा है उसको इस्तेमाल करो सो so बेसिकली होता यह है आयरन ऑक्साइड कोक एंड एल्यूमिनियम और आर सब्जेक्टेड टू हीट जो चीजें उसके अंदर डाली गई है जिसमें आयरन ऑक्साइड है कोक है एल्यूमिनियम है उनको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड की गई है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बन गया जो आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है कार्बन के साथ इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज गैस एंड रिमूव एट दॉटमोल्टन आयरन उसको हम रिमूव कर लेते हैं मीन वायल अलूमिनियम जो है वो इम्प्योरिटीज को भी इससे हटा देते हैं इस तरह से हमारे पास प्योर आयरन जो है वो मिल जाती है हमें so, way, के के क्या होता है कहाँ से क्या एंटर होता है हॉट होत एयर भी एंटर हो रही है ऑल ऑफ दोस्ट यू कैन पुट ओवर है इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं वाई स्टील गुड फॉर कैंस स्टील जो है वो क्यों कैंस के लिए अच्छी है कैंस जो हमारे खाने के लिए ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं एल्यूमिनियम इज ऑल्सो गुड फॉर दैट बट स्टील क्यों अच्छी है फॉर द सेम रीजन की स्टील जो है अपनी शेप जो है उसको इजिली चेंज करती है और करोजन फ्री होती है क्योंकि इसकी करोजन जो है वो इतनी तेजी से नहीं होती और क्योंकि वो जो अपनी शेप को अच्छे तरीके से बैंड कर सकती है आप उसको कैन की शेप में फॉर्म कर सकते हो कोटिंग for क्यों जरूरी है टू प्रिवेंट क्रोजन टिन जो है लेस रियक्टिव है वो रियाक्ट कर जाएगा और जो आपका पीछे स्टील है जिसके अंदर मेनली आयरन है वो सेफ रहेगा एंड दैट इज वाई टिन से हमेशा उसको कोट किया जाते हैं टू प्रिवेंट करोजन हमने था करोजन के 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 टॉपिक अंदर एंड वी जो जो है के different metals, different के उपर, जो है है ज़रिए से चढ़ाया जाता डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, फिगर्स ऊपर ताकि वो इसी तरह रोजन को रोक सके आखिरी क्वेश्चन है लगा उसको खरीदना क्यों अच्छी बात नहीं है वाई इज दैट नॉट एडवाइजेबल तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप केमिस्ट्री से हटकर भी इसको देखें तो एक चीज को अगर डेंट लगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि उसके अंदर का जो मेटल है वो इतनी अच्छी शेप में नहीं है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ उसका जो डैमेज है वो इफेक्ट कर रहा होगा उसके अंदर वाले कॉन्टेंट्स को भी तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि केमिकल रिलीजेस इस तरह के होते हैं उस के अंदर कि वो खाना आपके खाने के लायक नहीं होता लेकिन अगर डेंट बहुत शरीद नहीं है तो इसकी यही इंडिकेशन है कि वो जो है वो अच्छी जगह पर अच्छी इन्वायरमेंट पे नहीं था इट हैज फॉलन उसको कोई डेंट पड़ा है उसकी कहीं बहुत फोर्स के कहीं जाकर टकराया है वो एंड विच इज वाई इट इज नॉट यूजेबल और नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू यूज इट इसके साथ हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी खत्म हो गया हमने चार और क्वेश्चंस आज कवर कर लिए हैं और इसके साथ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर थ्री व्हिच इज अबाउट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स उसको खत्म कर लिया है नाउ विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर फोर इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई सी यू सून अल्लाह हाफिज़